नमस्कार, श्रीराम पीजी महाविद्यालय सत्रह आरबी रायसेनगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जेआर कड़ेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर। देखिए, सबसे पहले क्लास लिख लीजिए, बीए सेकंड ईयर की क्लास है। बीए सेकंड ईयर की क्लास हो रही है और जो हमारा पेपर चल रहा था वो हमारा है, दो पेपर होते हैं बी सेकंड ईयर में। हमारा जो पेपर चल रहा है इस आज की जो क्लास में है वो है हमारा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने बात जो चल रही है पिछली क्लास में जिस टॉपिक की हमने बात छोड़ी थी वो हमने छोड़ी है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में जो बात चल रही थी इसके ऊपर हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतमाला पर। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि अरावली का हमने परिचय कर लिया था। अरावली का हमने बड़ा बड़ा जो मुख्य परिचय था ऑल ओवर अरावली का वो हमने कर लिया था। और हमने फिर आगे अरावली को तीन भागों में बांटा था और वो तीनों भाग भी हमने कर लिए थे। मैं आपको राजस्थान का नक्शा नहीं बना रहा, मैं आपके लिए सिर्फ अरावली बना रहा हूँ। ये हमारी अरावली है और ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य में होने के कारण इसे कहते हैं मध्यवर्ती अरावली। देखिए, अरावली के इस साइड में आता है हमारा पश्चिमी थार का मरुस्थल और इस साइड में आता है हमारा पूर्वी मैदान। मैं थोड़ा सा बैक जाके बताता हूँ कि अरावली के बारे में हमने बात की थी कि अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन काल की है, गोंडवानालैंड का अवशेष है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवानालैंड के अवशेष गोंडवानालैंड से हुई है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। और फिर हमने बात की इसकी तुलना जो विश्व के अंदर उत्तरी अमेरिका के अंदर आपलेशियन पर्वत से की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने यहाँ बताई थी ये हमारी है उत्तरी अरावली, ये हमारी है मध्य अरावली और ये हमारी है दक्षिणी अरावली। अरावली को तीन भागों में बांटा था हमने। अरावली को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में, उत्तरी अरावली, दूसरी ये हमारी है मध्य अरावली और तीसरा जो हमने पढ़ रहे हैं वो हमारी दक्षिण अरावली। क्या है? दक्षिण अरावली। आज हम अरावली कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, उत्तरी अरावली के बारे में हमने बताया था। देखिए, राजस्थान के अंदर अरावली की जो कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, लेकिन इसकी टोटल बात करें तो 692 किलोमीटर है। अरावली की खुद की कुल लंबाई बात करें तो 692 किलोमीटर है और ये पालनपुर गुजरात से शुरू होती है अरावली पर्वतमाला और उत्तर में अपने बात करें दिल्ली के पास रायसीना की पहाड़ी है वहाँ जाके समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। लेकिन जो हम बात करें राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। हम ये कह सकते हैं अरावली का 80% जो भाग है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। फिर हम बात करते हैं अरावली, राजस्थान में अरावली जो है वो झुंझुनू से शुरू होती है खेतड़ी से शुरू होती है झुंझुनू के अंदर और इधर अपने है नीचे सिरोही तक फैली हुई है ठीक है। तो इसका जो हम कह सकते हैं राजस्थान में इसकी जो शुरुआत होती है वो खेतड़ी झुंझुनू से होती है और इसका जो अंतिम है वो सिरोही है, सिरोही में जाके ये समाप्त हो जाती है। और राजस्थान के अंदर अरावली को तीन भागों में बांटा गया है, तो उत्तरी अरावली, उत्तर में होने के कारण इसका नाम रख दिया उत्तरी अरावली, अरावली के दोनों पार्टों के बीच में होने के कारण इसका नाम रख दिया मध्य अरावली और इसके बाद रख दिया इसका दक्षिणी अरावली। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की जो शुरुआत होती है, उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो है खेतड़ी झुंझुनू से लेकर हमारे यहाँ सांबर जिला जयपुर नागौर और अजमेर की सीमा पर
तो यह है सांबर तक, सांबर तक इसका विस्तार है, सांबर झील तक। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो खेतरी झुंझुनू से लेकर सांबर झील तक है। और ये अरावली का, ये जो अरावली का, देखिए बात करते हैं अरावली की जो चौड़ाई और ऊंचाई है, दक्षिण पश्चिम से इसकी सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में है। और क्योंकि ये हमारा उत्तर पूर्व आ गया, उत्तर पूर्व से ये फैली हुई है दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। और बात करते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाए, अगर ये ऐसे जाए तो इसकी जो हाइट है, हाइट और इसकी चौड़ाई दोनों बढ़ती जाती है। लेकिन बात करते हैं अगर दक्षिण से आए तो दक्षिण में इसकी हाइट और चौड़ाई जो है ज़्यादा है, लेकिन इसके उत्तर की ओर आते हैं तो कम होती जाती है। तो हम सिर्फ बात करते हैं ये जो मध्य अरावली का भाग है ये कम चौड़ा है। अरावली का सबसे संकरा भाग जो है वो क्या है, मध्य अरावली है। लेकिन सबसे जो हमारा ऊंचा जो भाग है वो है हमारा सबसे कम ऊंची और जो भाग है हमारा उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली जो है मुख्य जिले, देखिए झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा, तो ये पांच जिले हैं। हम कह सकते हैं उत्तरी अरावली के अंदर मुख्य रूप से पांच जिलों में फैली हुई है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। और दूसरी बात, इसकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो है वो है हमारा यहाँ पर सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर। तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, चोटी। अब देखिए आगे सीकर झुंझुनू ये जो क्षेत्र है ये शेखावटी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाते हैं? शेखावटी प्रदेश। और शेखावटी प्रदेश और यहाँ इसको कहते हैं तोरावटी प्रदेश भी कह देते हैं, तोरावटी प्रदेश। दूसरी बात करते हैं सीकर के अंदर कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, सीकर में हो गया या हम बात करते हैं जयपुर में हो गया, अलवर में हो गया, तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों के बारे में बात कर ली थी हमने, ठीक है। तो आगे जो है इन पहाड़ियों के बारे में बात करने के बाद आज हम बात करते हैं मध्य अरावली, क्योंकि पहाड़ियों के बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया था। तो आगे हम मध्य अरावली की बात करते हैं। और मध्य अरावली की जो शुरुआत होती है वो सांबर झील से होती है और देवगढ़ राजसमंद तक ये जो फैली हुई है इसका विस्तार जो है वो सांबर झील से लेकर अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में होती हुई है, राजसमंद के देवगढ़ तक फैली हुई है। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हमने उत्तरी अरावली का पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा मैंने रिपीट करवाया है, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए। इसके बाद हम आज अपने कॉल बात कर रहे हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली जो है वो इसकी जो अपने कह सकते हैं विस्तार है सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक। देखिए सांबर झील है, सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक ये फैली हुई है। और अरावली का सबसे संकरा भाग यह जो मध्य अरावली है ये अरावली का सबसे
संकरा, यह हम कह सकते हैं कम चौड़ा, कम चौड़ा भाग है, कम चौड़ा भाग है। यहां देखिए मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, तारागढ़ ये है नागपहाड़ पर, नागपहाड़, नागपहाड़ तारागढ़ है, ये नागपहाड़ पर है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है तारागढ़, 873 मीटर ऊंची है, अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर। और तारागढ़ जो दुर्ग है वो यहीं बना हुआ है, इसी के ऊपर, इस चोटी के ऊपर बना हुआ है अजमेर का तारागढ़ जो दुर्ग है। तो ठीक है, इसका जो तारागढ़ है सबसे ऊंची चोटी 873 मीटर ऊंची है, अजमेर के अंदर है ये चोटी, अजमेर में है ये। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था मध्य अरावली ये जो है संगमरमर की चट्टानों से बनी हुई है, संगमरमर, मध्य अरावली, ये जो मध्य अरावली है ये संगमरमर की चट्टानों से बनी हुई है, अधिकांशतः इसमें संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है। और वैसे मैंने आपको बता दिया था कि अरावली का जो मूल रूप है वो नष्ट हो चुका है और वर्तमान में ये एक अवशिष्ट रूप है। इसके बाद मैंने बताया था अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में फैली हुई है मध्य अरावली जो है, अरावली का सबसे सिकुड़ा हुआ या विखंडित भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है, 700 मीटर है। लेकिन अरावली की औसत ऊंचाई जो है 940 मीटर है, अरावली की पुल फुल अरावली की बात करें तो 940 मीटर है, लेकिन मध्य अरावली की बात करें तो 700 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दी जो है वो है तारागढ़ अजमेर में। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो जो देवगढ़ बता दिया, अजमेर से होती हुई ये देवगढ़ की पहाड़ियों तक राजसमंद में है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, घाटियों की औसत ऊंचाई जो है 550 मीटर है, और यहाँ जो है संगमरमर की चट्टानों से बनी हुई है। आगे यहाँ पर कुछ अन्य चोटी है जैसे मोराईजी, तारागढ़, नागपहाड़, नागपहाड़ जो 795 मीटर ऊंचा है। आगे यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, दर्रे, वो दर्रे जो है वो दर्रों के बारे में अपने बात करें, दर्रे कुछ दर्रे हैं। तो दर्रों को देखिए, अरावली में जो मुख्य रूप से दर्रे हैं, दर्रे इन्हें नाल कहा जाता है, दर्रे, हिमालय में भी आपको मैंने दर्रे पढ़ाए थे, सिपकिल्ला दर्रा है, नाथुल्ला दर्रा है, जलेपा दर्रा है। तो यहाँ पर भी अरावली में भी कुछ दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में जो निम्न भूमि होती है, बहुत गहरी खाइयाँ होती है, उसे अपने दर्रे कहते हैं। तो यहाँ पर दर्रे जो होते हैं वो तंग रास्ते होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो दर्रे के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दर्रे हैं और दर्रों के बारे में मैंने आपको बताए थे कि कुछ यहाँ पर दर्रे हैं जिनको स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। सर्वाधिक जो दर्रे हैं वो मध्य अरावली में है, इसके लिए लिख लेना सर्वाधिक, सर्वाधिक दर्रे मध्य अरावली में क्या है, सर्वाधिक दर्रे हैं, सर्वाधिक दर्रे हैं। और उन दर्रों के बारे में अपने विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए देखिए अपने बात कर रहे हैं नाल की, तो देखिए कुछ नाले हैं जो अपने अलग अलग है। जैसे अजमेर के अंदर ही बात करते हैं तो अजमेर का कुछ मूल जो पार्ट है उसमें अजमेर की नाल है, और अजमेर के पास में जो व्यावर तहसील है तो व्यावर की नाल है। तो व्यावर के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी नाले हैं, जैसे वर की नाल, ठीक है, वर है, वर, ये वल नहीं है, वर है, वर की नाल, वर की नाल, शिवपुरा की नाल, परवेरिया की नाल और सूराघाट की नाल, सूराघाट की नाल, परवेरिया, परवेरिया की नाल, शिवपुरा की नाल, सूराघाट की नाल, बर की नाल, ये जो है व्यावर की नाल है। ठीक है, अब बात करते हैं अजमेर की नाल, अजमेर की नाल कौन सी है। देखिए पुष्कर की नाल अजमेर की है, स्वरूप घाट की नाल और पीपली की नाल। नाल जो है एक दर्रे हैं, दर्रे हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे वो शिपकली दर्रा है तो हम कह सकते हैं पुष्कर का दर्रा, स्वरूप घाट का दर्रा, पीपली का दर्रा, बर का दर्रा, शिवपुरा का दर्रा, परवेरिया का दर्रा, सूराघाट का दर्रा।
तो अपने आम भाषा में यहाँ पर नाल कहते हैं, तो इसे को नाल ले लिया। ठीक है, इसके बाद जैसे पाली में कौन कौन सा है, पाली में हाथी गुड्डा की नाल है ये जो है पाली में। इसके बाद है जीवला की नाल, ये जो मोस्ट है इसके लिए आप मोस्ट लगा लो, जीलवा की नाल है। जीलवा की जो नाल है ये पाली और राजसमंद की सीमा पर है, और ये मेवाड़ और मारवाड़ को आपस में जोड़ती है, मैंने अभी बताया था जो नालें होती है वो आपस में एक स्थान से तंग रास्ते होते हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को आपस में जोड़ती है। और जो देसूरी की जो नाल है वो राजसमंद के अंदर है। तो ये हमारी थी नालें। आगे हम बात कर रहे हैं नालों के बाद में हम बात करते हैं आगे हमारी जो दक्षिणी जो है दक्षिणी वो बात कर लेते हैं दक्षिणी अरावली। आगे हेडिंग लगाइए दक्षिणी अरावली। अरावली का सबसे ऊंचा सबसे चौड़ा जो भाग है वो हमारा दक्षिणी अरावली है। तो हेडिंग लगाइए दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली, अरावली का सबसे चौड़ा जो भाग है वो दक्षिणी अरावली है। ठीक है, सबसे चौड़ा जो भाग है दक्षिणी अरावली है। आगे बात करते हैं इसका जो विस्तार है हमने बात की थी इसको छोटा, मध्य अरावली को हमने छोटा था, देवगढ़ रासमंद छोटा था। तो वहीं से इसको शुरू कर देते हैं, देवगढ़ रासमंद टू आबू सिरोही। ठीक है, माउंट आबू या आबू सिरोही। तो इसकी जो है ये आबू सिरोही तक फैला हुआ है, देवगढ़ राजसमंद से लेके आबू सिरोही तक फैला हुआ है। इसके अंदर अपने बात करते हैं मुख्यतः जो है जिले कौन कौन से आते हैं, जिले देखिए जिलों में आते हैं सिरोही के बाद उदयपुर के बाद आता है डूंगरपुर के बाद आता है बांसवाड़ा, चित्तौड़ और ठीक है सिरोही उदयपुर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और एक राजसमंद, क्योंकि राजसमंद का आ गया तो राजसमंद लिखना भूल गए थे, राजसमंद ये मुख्य जिले हैं इसके अंदर, दक्षिणी अरावली के अंदर है। ठीक है, आगे वास्तविक अरावली की जो वास्तविक पहाड़ियां हैं तो वो वास्तविक पहाड़ी यहीं पर मिलती है, माने उधर तो बहुत कम रह गई है लेकिन वर्तमान में जो हमें वास्तविक जो पहाड़ी अरावली की अगर नजर आती है तो वो कहाँ पर आती है, दक्षिणी अरावली में। उसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक पहाड़ियाँ और सघन पहाड़ी क्षेत्र है इस क्षेत्र में, सघन पहाड़ी जो हमारा क्षेत्र है वो क्या है, दक्षिणी अरावली है। ठीक है, यहाँ पर कई पठार भी है, कई यहाँ पर पर्वत चोटियाँ भी है और यहाँ पर हरियाली भी अधिक है। तो हम बात करते हैं आगे दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली में हम बात करते हैं आगे, देखिए मुख्य अरावली जो है यह मुख्य अरावली है और मैंने पहले ही बता दिया अरावली का सबसे दक्षिणी अरावली जो सर्वाधिक चौड़ी और सबसे ऊंची है, इसकी औसत ऊंचाई लिखिए 900 मीटर। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर 900 मीटर है दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबको ही पता है, गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर जो है वो गुरु शिखर की अपने दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और यहां लिख लेना अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की भी सबसे, अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। इंक खत्म हो चुकी है, आगे बात करते हैं। देखिए अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है वो उदयपुर जिले में है। किसमें है? उदयपुर जिले में। तो अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ है? उदयपुर जिले में है। और आपसे पूछ ले कम किसमें है, कम सबसे कम, तो वो अजमेर में है। सबसे कम विस्तार किसमें है? अजमेर में है। मुख्य अरावली की बात कर रहे हैं, गौण जिले नहीं, मुख्य जिले। मुख्य जिलों में सबसे ज़्यादा किसमें है? उदयपुर में। और सबसे कम किसमें? अजमेर में। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अरावली में सबसे ऊंचा अरावली पर्वतमाला, अरावली जो हमारी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शहर, ऊंचा शहर वो है माउंट आबू, और सबसे नीचा कौन सा है? पुष्कर। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा और सबसे नीचा शहर हो गया। सबसे नीचा कौन सा हो जाएगा? पुष्कर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे देखिए, सबसे ऊंचा शहर हो गया, आगे सबसे नीचा पुष्कर हो गया। तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर उदयपुर, घाटी में बसा हुआ अजमेर। अजमेर कभी जाओगे तो अजमेर को देखना, घाटी में बसा हुआ शहर, घाटी में बसा हुआ शहर, बसा हुआ शहर कौन सा है? अजमेर। और तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर जो है वो उदयपुर है, उदयपुर। अब हम दक्षिणी अरावली की कुछ चोटियां देख लेते हैं, दक्षिणी अरावली की कुछ चोटियां, और फिर अपने चोटियों के बाद फिर बात करेंगे दक्षिणी अरावली की कुछ नाल, और फिर अपने बात करेंगे दक्षिणी अरावली में कुछ पठारी भूमि भी है और पठार की भी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं दक्षिणी अरावली की चोटियों लंबाई सहित और जिले सहित लिख लेते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर है। देखिए अपने दक्षिणी अरावली की कुछ चोटियों पर बात कर रहे हैं, मुख्य जो चोटियां हैं। देखिए दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, माने अधिकांश जो ऊंची चोटियां हैं अरावली की वो आपको दक्षिणी अरावली में मिलेंगी। तो देखिए सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर है, और अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, और ये सिरोही जिले में है। इस एस का अर्थ है एस बराबर सिरोही, सिरोही जिले में है, और यू बराबर उदयपुर है, और आपका आर बराबर राजसमंद है, और जे बराबर जालोर है, जालोर। तो ये जिले ध्यान रखना लिखा हुआ है जो। तो गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही जिले में है। इसकी हाइट जो कितनी है? 1722 मीटर है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी है शेर। तो शेर जो है सीकर जिले में है,
सिरोही जिले में, शहर जो है सिरोही जिले में, और 1597 मीटर इसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम बात करते हैं दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जो है वो सिरोही जिले में है और इसकी हाइट जो है 1442 किलोमीटर है। जरगा जो है, जरगा उदयपुर ज़िले में है और इसकी जो हाइट है वो 1431 मीटर है। आगे जरगा, जरगा ध्यान रखना, जरगा उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद अचलगढ़, अचलगढ़ जो है अचलगढ़ सिरोही में है और इसकी जो हाइट है वो 1380 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, राजसमंद के अंदर है। और जो कुंभलगढ़ है वो कुंभलगढ़ इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद में है, 1224 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश है वो सिरोही के अंदर है, 1017 मीटर जो है हाइट पे बना हुआ है ये जो चोटी है। आगे सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है जो है उदयपुर में है और 938 मीटर है। इसके बाद हम करते हैं लीलागढ़। लीलागढ़ जो है वो उदयपुर में है, 874 मीटर है। रोजा भाकर जो है जालोर में है, रोजा भाकर एकमात्र जालोर में है और 730 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा इसको आप ध्यान से उतार लीजिए ताकि आपको, एक मिनट का समय दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से उतार सको। तो आप ये जो हमारी पर्वत चोटियाँ हैं, मुख्य मुख्य चोटियाँ हैं दक्षिणी अरावली की, ये हमारी जो हैं ज़िले दे रखे हैं, ये मैंने हाइट दे रखी है और ये ज़िलों का जो मैंने शॉर्ट बताया था वो आपको मैंने बता दिया। चलो ये आपको एक मिनट का समय देते हैं, तब तक के लिए आप उतार लो इसको फटाफट। आगे हम बात करते हैं, देखिए उतार लिया होगा आपने। आगे हम बात करते हैं, देखिए कुछ ननाल हैं जो आपने, मैंने दर्रे बताए थे दर्रे, और अरावली में उन दर्रों को क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है, नाल। तो देखिए दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की नाल या दर्रे, नाल या दर्रे, तो अपने नाल या दर्रे कर लेते हैं। देखिए जैसे दक्षिणी अरावली की नाल जो है उसके बारे में अपने बात करते हैं, तो देखिए सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल, नाल उसके बाद आता है सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल के बाद में है केवड़ा की नाल, केवड़ा, या कई बार केवला भी लिखा होता है, केवला, केवला, और इसको केवड़ा कहते हैं, केवड़ा, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। तीसरा जो है हमारा वो है आगे है हमारा देबारी की नाल, देबारी, देबारी की नाल, देबारी की नाल। तो देखिए सोमेश्वर की नाल, केलवा की नाल या केवड़ा की नाल, दोनों अलग अलग है। आगे हम बात करते हैं देबारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी, फुलवारी की नाल। आगे जो है यहाँ लिख लेना अलग, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। आगे जो है हमारा, ये हमारी पूर्व मुख्य मुख्य नाल हो गई, यहाँ कोई ज़्यादा प्रसिद्ध नाले नहीं है क्योंकि मुख्य जो नाल है वो आपको पता है, बताई थी, सर्वाधिक जो नाल है वो मध्यवर्ती अरावली में है। इसके बाद यहाँ कुछ पठार है, उन पठारों के ऊपर बात करते हैं अपने, पठार। तो लिखिए दक्षिणी अरावली की मुख्य पठार, दक्षिणी अरावली के मुख्य पठार, ठीक है, दक्षिणी अरावली के मुख्य पठार। तो लिखिए ये राजस्थान के अंदर ही आ जाते हैं, राजस्थान, राजस्थान के पठार। सबसे पहले उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, ठीक है, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। माउंट आबू सिरोही में है ये, माउंट
अब सिरोही में, सिरोही 1360 मीटर ऊंचा है। तो देखिए पहला पठार कौन सा हमारा, उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार जो है हमारा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो याद रखना उड़ा माने उड़िया का पठार माने चिड़ी जो होती है सबसे ज़्यादा, पक्षी जो सबसे ज़्यादा हाइट में उड़ते हैं, तो सबसे ऊंचा पठार हो गया है कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में है, 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा बात करते हैं आबू का पठार, आबू का पठार भी कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। उसके बाद हम बात करते हैं बोराट का पठार, बोराट का पठार है और ये 1200 मीटर ऊंचा है, ये भी 1200 मीटर ऊंचा है। और बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ टू गोगुंदा के बीच में जो है वो बोराट का पठार है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। फिर आता है मेसा का पठार, 620 मीटर ऊंचा है। आगे अपने बात करते हैं, आज हमारा जो है अरावली पर्वतमाला, राजस्थान का जो भौतिक भाग था दूसरा, उसको अपने बड़े डिटेल से कर लिया है। तो आज हमारा अरावली जो पर्वतमाला है वो समाप्त होता है। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए पूर्वी जो मैदान है उसको लेके आएंगे और पूर्वी मैदान पे अपनी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।